लेकिन आपके अंदर का कचरा जो है तो घर वाला भी नहीं लेगा। तो जितने जल्दी हो सके उतना निकालिए। एनिमा का सपोर्ट लेना है तो बिल्कुल लीजिए, जब तक चाहिए तब तक लीजिए और पेट को साफ कीजिए। सबसे ज़्यादा कचरा अंदर होता है, किलो के हिसाब से होता है। किसी किसी में ये जो डेड स्टॉक होता है दो दो तीन तीन किलो भी रह सकता है। तो आपको जिनका भी पेट बाहर है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल एनिमा का प्रयोग करें, जितनी भूख है उतना खाए तो आपको चमत्कार दिखेगा। आपका जो पेट है, वेट है, जो आज सालों साल तक आपने मेहनत की है, कितनी भी कितने आपने वॉकिंग की प्रैक्टिस की, जिम की प्रैक्टिस की, पता नहीं क्या क्या किया, रिजल्ट नहीं मिला है, एनिमा लीजिए। भूख है उतना ही खाइए या उससे थोड़ा कम खाइए, ये तो प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। आप सभी का ये दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, यही प्रार्थना है। तो कल कुछ ध्यान की बातें की थी, ध्यान का महत्व समझाने की कोशिश की थी। आप सभी ने सुना है ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, लेकिन ध्यान में ध्यान लगता नहीं, ये भी तो हकीकत है या नहीं? मन भटकता है कि नहीं? तो मन को कैसे वश में करें, उसके कुछ आसान तरीके और प्रैक्टिकल तरीके जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो विषय बहुत बड़ा है, हफ्ते भर तक इस पे ही बोले तो भी कम है, लेकिन जो भी समय की मर्यादाएं हैं उसमें जो भी बता सकता हूं, जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं और आपकी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं और आपको लगेगा कि नहीं ये पॉसिबल है, मैं भी कर सकता हूँ, और जब भी मौका मिलेगा तभी आपकी भी इच्छा है चलो मैं भी करूँ, मैं भी करूँ, मैं भी करूँ। तो मेरे ख्याल से सभी जो आने वाले हैं आ चुके हैं या कोई बाकी है, ये सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन 7 बजे बोला है कि 7 बजे जाग के तैयार, सब स्नान करके आए हैं, ज़्यादातर सभी स्नान कर दिए है ना, तो शरीर का स्नान किया, दांत साफ कर लिए, ये तो सफाई हो गई। हाथों की सफाई किसने किसी ने की है, किसी ने बाकी रखी है तो बाद में कीजिएगा। अभी मन के अंदर जो कचरा पड़ा है, कूड़ा कचरा पड़ा है, उसकी सफाई की कोशिश करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान में ध्यान क्यों नहीं लगता है, क्या करने से ध्यान लगेगा, क्या करने से मेरे अंदर जो कचरा पड़ा है वो बाहर निकलेगा, और ये कोशिश करते रहना है, करते रहना है। जब तक सांसें चलती हैं तब तक ये करना है, जब भी मौका मिला तभी करना है। तो जो जो कोशिश करते जाएंगे उतनी उतनी आपको जीने की मजा आएगी, जिंदगी का आनंद बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि अरे वाह क्या मजा है, क्या मजा है, क्या आनंद है। तो जिंदगी जीने जैसी लग जाएगी। आपकी जो भी बीमारियां हैं, जिसका कोई भी विवरण नहीं है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है, उसका भी इलाज हो जाएगा। आपको बता दूं कि हमारी जो है 95% से ज़्यादा बीमारी जो है कहाँ से पैदा होती है, मन से पैदा होती है, उसको क्या कहते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी साइकी में से पैदा होती है, हमारी सोच, हमारी विचारधारा से पैदा होती है।
आप सभी को लगता है हम तो सोचते तो सही है, हम क्या गलत सोचते हैं, लेकिन एक बार नजर अपनी ओर डालेंगे और खुद के विचार पे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, जो दूसरे के बारे में सोचते थे अभी खुद के बारे में सोचेंगे, आईने के सामने हर बार आप खड़े होते हो कि नहीं, मेकअप करते हो कि नहीं, करते हो ना, अभी ध्यान में भी आप आपके सामने आपकी अदालत में खड़े हो जाएंगे। किसकी अदालत में? आपको आपकी अदालत में खड़ा होना है। आपकी साइड कौन रखेगा? आप रखेंगे। सामने वाले की साइड कौन रखेगा? वो भी आप रखेंगे। जज कौन होगा? वो भी आप होंगे। तो ये रोल आप ही को प्ले करना है, और जब आप तीनों रोल प्ले करते हैं, एक बार जो है आप एक साइड पे बैठे हैं, फिर आप सामने की साइड बैठे हैं, फिर आप जज की साइड बैठे हैं, ये तीनों रोल आपको करना है। अब करके देखेंगे तो सत्य बाहर आएगा, और जो सत्य बाहर आएगा वही आपको आगे की यात्रा में मार्गदर्शन देगा। इसको समझना है, हर कोई सही है अपने एंगल से, हर कोई सही है। आपके एंगल से जो सोच रहे हैं वो सही है। सामने वाले की कुर्सी पे जब बैठेंगे तो उसके एंगल से वो सही है। अब ना तो आप यहाँ बैठे हैं ना तो वहां बैठे हैं, आप वहां जज की कुर्सी पे बैठे हैं। जज ने दोनों को सुना है, आपको भी सुना है, उसको भी सुना है। दोनों के सुनने के बाद आप वो कुर्सी पे बैठेंगे और आप सोचेंगे तो वो सत्य आपके पास निकल के आएगा। जैसे जैसे वो सत्य का स्वीकार होते जाएगा वैसे वैसे आप में परिवर्तन आएंगे, और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक आप स्वस्वधारणा के मार्ग पे जाएंगे। और अपने आप से किसी की जरूरत नहीं है, हर बार आपको आपकी अदालत में हाजिर होना है। तैयार है आपकी अदालत में हाजिर होने के लिए? मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। मान लो आपका कोई झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का ही झगड़ा हो गया, बराबर है, आपने आपकी साइड रखी कि नहीं, बराबर है, सामने हस्बैंड ने भी कुछ बोला, आप उसकी साइड बैठ के सोचिए वो ऐसे क्यों किया, सोच सकते हैं कि नहीं, बराबर है, आपने आपकी साइड, फिर आप उनकी साइड बैठ के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं, हस्बैंड को भी वही लागू पड़ता है, वाइफ को भी वही लागू पड़ता है, बच्चे को भी लागू पड़ता है, माँ बाप को भी लागू पड़ता है, सीनियर को भी लागू पड़ता है, जूनियर जो भी पोजिशन है उसमें ये कर सकते हैं। अभी आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उनका ये बोलना भी सही है, वो एंगल से तो वही सही है, ऐसा भी तो हो सकता है, फिर आपकी साइड उनकी साइड, फिर आप दोनों के बीच की साइड में जाके बैठेंगे, आप जज की कुर्सी पे बैठेंगे, और आप जब भी आपको देखेंगे उनको देखेंगे तो आपको अंदर से ही जवाब मिल जाएगा, और वो जो जवाब है उसको आप रियल लाइफ में ला के देखें, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपकी साइड पकड़ के बैठ जाएंगे ना, मैं ही सही हूँ, आपकी दो चार फ्रेंड को फोन करके और भी मजबूत हो जाएंगे, वो वहाँ बैठे हैं वो वहाँ एंगल में जाके मजबूत हो जाएंगे, आप जज बन गए वो जज बन गए, तो क्या होगा, बात का कबाड़ा होगा कि नहीं। तो एक तो ये प्रयोग आप डे टू डे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका नज़रिया, सामने वाले का नज़रिया, आप उसके एंगल से और दोनों आप ही कर रहे हो, और फिर शांति से बैठ जाते हो जैसे आप जज हो, आप दोनों को सुन रहे हो, और फिर जो भी आपके अंदर से जो सत्य निकलता है उसको आप एक्सेप्ट करो, और वो मार्ग पे जाएंगे तो आपके अंदर का जो भी कूड़ा कचरा था
वो कुछ ना कुछ तो पिघलेगा और सामने से भी वो होगा, वैसे करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है और हर बार कर सकते हैं, दिन में अनेक बार कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, आराम करने के पहले कर सकते हैं, आराम से उठने के बाद कर सकते हैं, जब प्रॉब्लम हो तब उसके बीच में भी कर सकते हैं, बैठ जाइए कुछ बोल मत ऐसे ही हो जाइए, सॉल्यूशन के लिए मुस्कुराइए और जो भी करना है वो कर लीजिए। और एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, जब प्रॉब्लम है तब मौन अगर आपने ग्रहण कर लिया, वाणी का मौन ग्रहण कर लीजिए, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी उसने कुछ बोला नहीं, आपने उसने एक बोला, आपने दो सुना दिए, उसने दो का चार सुना दिया, आपने चार का आठ सुना दिया, आठ का सोलह हो गया, सोलह का बत्तीस हो गया, और ये जो प्रॉब्लम है ब्रेकडाउन सिचुएशन तक जाते हैं, नहीं मैं तो अभी जिंदा नहीं रहूँगी, मैं तो चली जाऊँगी, मैं चला जाऊँगा, मैं भाग जाऊँगा, सुसाइडल थॉट्स तक चले जाते हैं, तो इसको रोकने का एक बहुत सिंपल तरीका है, भीतर से शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, ये पल भी बीत जाएगा, और उतने टाइम अगर आपने शांति रख दी तो आपका प्रॉब्लम जो भी हो वो तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है तब की बात है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया उसके बाद क्या कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया, आपके एंगल से सोचा, सामने वाले के एंगल से सोचा, अभी जज के एंगल से आप ही सोचो तो आपको जवाब मिल जाएगा, बराबर है। एक तो तरीका मैंने ये बताया। अभी ध्यान देखो, मैंने समुंदर जितना बड़ा है, वर्तमान में रहने की कला भी है, आप सभी ने सुना है कि वर्तमान में रहना है, अभी मैं बोलूँगा आप बैठो और वर्तमान में रहो, आंखें बंद कर दो और वर्तमान में रहो, कोशिश करो, वर्तमान में रहो तो करना क्या है, कैसे वर्तमान में रहेंगे, आगे बोल दीजिए, वर्तमान में रहने का मतलब क्या, कैसे वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान में रहने का बहुत आसान तरीका, देखो मैं बहुत आसान आसान चीज ही बता रहा हूँ, और वही करना है, और कुछ भी नहीं करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वर्तमान में रहना है तो वर्तमान में क्या हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांसों पे ध्यान दे सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, तो एक सांसों पे ध्यान दे सकते हैं, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ध्यान दे सकते हैं, और भी कुछ नहीं हो रहा है, और एक चीज जो कर सकते हैं, जब सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, ये अनुभव कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, ये अनुभव है, पेट बाहर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है, ये वर्तमान में हो रहा है कि नहीं, और क्या होता है वर्तमान में, आपके सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक कोई ना कोई संवेदना आपकी है, आप सर पे देखिए कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं, सर भारी लग रहा है या शांत लग रहा है या ठंडा लग रहा है, आपके फोरहेड पे देखिए कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, आईब्रोज पे देखिए, आंखों में देखिए, नाक की ओर देखिए, गाल की ओर देखिए, कान की ओर देखिए, अपना ध्यान कहाँ लेके जाना है, एक एक अंक में लेके जाओ और वहाँ कुछ ना कुछ संवेदना आएगी, क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सेंसेशन आ सकती है, गले पे भी आ सकती है, सबसे ज्यादा सेंसेशन कहाँ आएगी, पीठ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, पीठ पे आएगी, शोल्डर पे आएगी, छाती पे आ सकती है, पेट पे भी आ सकती है,
समुद्र मार्ग है वहाँ भी आ सकती है, मल मार्ग है वहाँ भी आ सकती है, हमारी थाइस में भी आ सकती है, घुटनों पे भी आ सकती है, पिंडलियों पे भी आ सकती है, नी जॉइंट पे भी आ सकती है, पैर की उंगलियों में भी आ सकती है, हाथों के जो शोल्डर जॉइंट्स है वहाँ भी आ सकती है, हाथ में कहीं भी आ सकती है, उंगलियों में भी आ सकती है। तो हमारी संवेदनाओं को देख सकते हैं कि नहीं, तीन चीज तो हम देख सकते हैं कि नहीं, अच्छी या बुरी हो, दुख की हो या पीड़ा की हो, कहीं पेन आ सकता है, कहीं प्लेजर भी आ सकता है, कहीं खुजली भी आ सकती है, कोई ना कोई फीलिंग सेंसेशन आती है कि नहीं। तो पहले जो है हम किस पे ध्यान करेंगे, ज्यादा नहीं दो दो मिनट का करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान दो, सांस आती है तो आती है, जाती है तो जाती है, बस इतना ही कीजिए। सांसों पे ध्यान टिका या मन भटका, मन का स्वभाव है भटकना, भटकाना ज्यादातर सभी का, कुछ ना कुछ विचार आए कि नहीं आए ना, मन भटका आसान था लेकिन मन का स्वभाव है भटकना। अब दूसरा प्रयोग करेंगे, सांस ले रहे हैं।